फ्री वॉइस देखने वाले सभी दर्शकों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं फ्री वॉइस के साथ। आज की अहम खबरें। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कटरा में पेश आए हादसे पर दुख व्यक्त किया। वहीं केंद्रीय मंत्री नित्यानंद रे ने कहा कि प्रधानमंत्री स्थिति पर नजर रखे हुए है और जाँच के लिए आदेश दिए। 2022 हज के लिए जाने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए आवेदन शुरू किया गया है। उनको 31 जनवरी से पहले प्राप्त करने के लिए हज कमेटी बिमना से संपर्क करने को कहा है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के लोगों को नववर्ष की बधाई देते हुए कहा कि हमें उन बहादुरों को याद करना चाहिए जिन्होंने हमारे भविष्य के लिए अपने वर्तमान का बलिदान दिया। भारत में 1431 ओमिक्रॉन मामले पिछले 24 घंटों में दर्ज किए गए, जिसमें से 454 मामले महाराष्ट्र से सबसे अधिक रहे। वहीं दिल्ली से 351 दर्ज किए गए। आखिर पर मौसम की जानकारी। कश्मीर और लद्दाख में जीरो से नीचे की स्थिति बनी हुई है। वहीं अगले हफ्ते से बर्फबारी और बारिश की संभावना के बीच न्यूनतम तापमान में मामूली वृद्धि। मौसम विभाग की दी गई जानकारी के अनुसार श्रीनगर का न्यूनतम तापमान -2.4 डिग्री दर्ज, वहीं जम्मू का तापमान 5.6 डिग्री और लद्दाख का न्यूनतम तापमान -16.8 डिग्री दर्ज किया गया है। ये थी अब तक की कुछ अहम खबरें। और भी खबरों के लिए बने रहिए फ्री वॉइस के साथ।